ईगल को आसमान का राजा भी कहा जाता है। इसकी नजरें इतनी तेज होती है कि कोई भी शिकार इसकी तेज नजरों से बच नहीं सकता, और इसके हमला करने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि शिकार को कुछ भी समझने का मौका तक नहीं मिलता। ऐसे में इसकी लड़ाई खूंखार पक्षी वेल्चर से हो जाए तो इसमें जीत किसकी होगी, क्योंकि दोनों ही पक्षी आसमान के सबसे खतरनाक शिकारियों में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईगल की। दोस्तों, ईगल एक शिकारी पक्षी है जो अपनी तेजी और अचानक हमले के लिए जाना जाता है। इसकी ताकत और मजबूती की बात की जाए तो इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यह अपने से चार गुना ज्यादा के वजन के शिकार को हवा में लेकर उड़ सकता है। और अगर बात की जाए गिद्ध की तो इनका आकार ईगल के मुकाबले काफी बड़ा होता है, लेकिन इनकी चोंच और पंजे ईगल के मुकाबले काफी कमजोर होते हैं और ये हमेशा मरे हुए ही जानवरों को खाते हैं, जबकि ईगल खुद अपने दम पर शिकार करता है। ईगल और गिद्ध की लड़ाई होती है तो ज्यादा फुर्ती और नुकीली मजबूती चोंच से जीत ईगल की होगी।